दुकान कुछ इस तरह की है, और भाई जो दुकान का नाम है वो है द रॉयल चाइनीज फास्ट फूड करके। मैं कुछ रिवील नहीं करना चाहता, कुछ नहीं खाया यार इसने, फर्जी झूठ बोलता रहता। बार-बार के चुम्मे दो। हाँ, बार-बार के चुम्मे दो। तो भाई आप लोग देख सकते हो हमारे जो राइस और मंचूरियन, भैया जी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो तुम लोग, आई हो कि तुम लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम लोग निकले थे घूमने, और कल का फिर से वही प्रोग्राम है, और आज का भी वही है। कल भी हम लोग खाने पीने गए थे, आज ही भाई खाने पीने जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि हमारे यहाँ पर मतलब एक उससे भी बढ़िया दुकान है, ठीक है, जो कि चाइनीज़ दुकान है, नई खुली हुई है, हमारे यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सामने ही हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो यह सामने ही दुकान है, ठीक है, चाइनीज़ दुकान है हमारे चौराहे से, और यहाँ तक का 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर दोनों भाई साथ में ही है, चलो आपको दिखाता हूँ क्या कैसा है, ठीक है, बाकी आप लोग देख लो। ये पहले वाली दुकान जो है ये अभी नहीं खुली हुई है, और इसके बगल में इससे पहले ये बगल वाली खुली हुई थी, ठीक है। भाई हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे, ठीक है। तो आपको दुकान दिखा देता हूँ, दुकान कुछ इस तरह की है, और भाई जो दुकान का नाम है वो है द रॉयल चाइनीज़ फास्ट फूड करके, ठीक है। तो हम अंकित हैं, और आपको जो है वो आपको मेनू दिखा देते हैं। भैया जी एक वीडियो बना सकते हैं ना, तो तब ठीक है, पूछना ज़रूरी है। भाई मेनू वगैरह देख लो, ये है मेनू, और कुछ इस तरह की दुकान है। अंकित क्या मंगवाया था, क्या भैया बनाओ, भैया जी 2 राइस कर दीजिए, 1 हाफ मंचूरियन, हाफ हाफ राइस भी रहेगी और हाफ मंचूरियन रहेगा, ठीक है। अंकित आओ, आपको फिर बैठ के इनके बारे में बता दें कैसे क्या है, ठीक है। भैया जी हमारे साथ चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। तो भाई इनकी जो दुकान है ये हमारे यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है, कि थोड़े आउट में है, और ये अभी नई खुली हुई है, ठीक है। तो आप लोग बाकी जगह देख ही सकते हो, एक रेलवे क्रॉसिंग है, इसके बगल में इन्होंने दुकान खुली हुई है। और अंकित कितना दिन हो गया होगा इनकी दुकान खुले हुए, 6 से 8 महीने ना, 6 से 8 महीने हो गए हैं भाई, फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है यार, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और बाकी इनका जो अंकल जी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो अंकल जी को बहुत बहुत शुक्रिया, बता दो अंकित। तो भाई जैसा मैंने आप लोग को बताया कि जो दुकान है इनकी करीब 6 से 7 महीने हो गए खुले हुए, बाकी इन्होंने बहुत अच्छा ग्रो कर लिया है, और हम लोग यहाँ भी बहुत दिन से आ ही रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक प्रॉपर ब्लॉग बना देता हूँ, क्योंकि इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जो आप लोगों ने शायद देखा होगा। हमारी जो है राइस वगैरह आ चुकी है, अभी हमने मंगाया हुआ है मंचूरियन, तो मंचूरियन पहले फिर आपको बताता हूँ। बाकी बात कहाँ पर हो रही थी, अंकित तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से अपने कूड़े भार से लेकर यहाँ तक तुमको सबसे बेस्ट जगह कौन सी लगी हुई है, मतलब खाने पीने के बारे में। खाने पीने के बारे में, अगर खाने पीने के बारे में अगर चाइनीज़ आइटम बताऊं, चाइनीज़ आइटम नो डाउट यहाँ पे बहुत बढ़िया है, मतलब मार्केट में मैं बहुत, क्योंकि पहले मार्केट में रहता हूँ भाई, तो फिर वहाँ पे बहुत खाया पिया हूँ चाइनीज़ आइटम पहले से ही, लेकिन जो फील रियल फील यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन भी अच्छी, और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे खाने में जो है टेस्ट है, यहाँ के जितने भी आइटम का टेस्ट है उसमें, यहाँ सुकून भी है, देखो सुकून भी है, पूरा खाली खाली एरिया है पूरा, उधर प्लेटफॉर्म है बार का, अभी जहाँ स्टेशन का ब्लॉग आया था वहीं का है, तो अच्छी जगह है, मतलब आने वाला है यहाँ पर, नहीं सही है। चलो फिर अभी आपको जो है इसको खा के बताऊँ क्या, वैसे तो बढ़िया है, अगर खाना चाहते नो डाउट टेस्ट बढ़िया है भाई, अगर खाना चाहते हो तो खा लो, लेकिन खा पाओगे नहीं, तो इससे अच्छा है बस देखो उसके बाद मुंह में पानी लेके आओ। हाँ यार, अगर अगर तुम लोग साथ में होते भाई तो खाते जरूर यार, साथ में बैठ के बढ़िया माहौल बना के खाते बढ़िया अच्छे होते। लेकिन अब क्या करूँ भाई, मैं क्या करें यार, हम लोग खिला नहीं सकते ना, तो बस सिर्फ टेस्ट ही बता सकते हैं, तो तुम लोग देखो। और बाकी जो है दोनों पैसा भी लाए हैं, 100 रुपये में सब लोग बैठ के खाते हैं आराम से, मजा कर रहा हूँ भाई, नहीं होते एक्चुअल में सब साथ में आराम से बैठे खाते पीते। और क्या भाई, पैसे की जो बात हुई वो ज़्यादा है, इतना नहीं है, इतना बजट थोड़ी रखेंगे यार, बेइज्जती कराऊंगा ब्लॉग में। चलो भाई ठीक है, अभी खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। भाई आज भी ट्रेन आ रही है, तो भाई आप लोग देख सकते हो हमारे जो राइस और मंचूरियन आ चुका है, हमने 2 राइस मंगाए थे और 2 मंचूरियन मंगाया हुआ था। बाकी भाई यहाँ का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ का सजेस्ट करूँगा, तुम लोगों में से जितने लोग आ रहे हो यहाँ पे, बढ़िया टेस्ट है, सब कुछ बढ़िया है, आप लोग आके खा सकते हो, कोई कमी नहीं है। देखो ये मैं इस टाइप का ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई देखो लाइफस्टाइल ब्लॉग बहुत हो गया, थोड़ा आपको फूड ब्लॉग में भी करना चाहिए, है कि नहीं भाई, अभी लाइफस्टाइल का ही पार्ट है,
भाई लाइफ स्टाइल में खाना भी तो आएगा ना, खाना नहीं खाएगा तो आदमी करेगा क्या, भूखा रह जाएगा। लेकिन ये भी करना पड़ेगा, चलो ठीक है। बाकी भाई आप लोगों ने कल वाले ब्लॉग में जो प्यार नहीं दिया था, ये चीज़ बहुत गलत है यार। कल वाला ब्लॉग जो है देखो भाई, उसमें हमने थोड़ा मस्ती वगैरह की हुई है, ठीक है, वो ब्लॉग देखो। और उसमें जो है भर भर के चुम्मे दो, हाँ भर भर के चुम्मे दो। चलो फिर ठीक है, बहुत हो गया ऐसे मजाक, ठीक है। चलो अभी चल इसको खा के फिर यहाँ से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि शाम भी हो चुकी है और हम लोग भी आए हुए हैं लेट में, क्योंकि मुझे कुछ काम था इसलिए हम लोग देर में पहुँचे हुए हैं, नहीं तो आने का प्लान बहुत सुबह था, है ना, तो देर में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से फिनिश करते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं, ठीक है। सब कुछ खत्म कर दिया भाई, एक दिन का नहीं छोड़ा हुआ है मैंने, इसने भी तो भाई भूखा है ही है, क्या कहूँ। अभी मैं कुछ ही रिवील नहीं करना चाहता हूँ, कुछ नहीं खाया यार इसने, फर्जी झूठ बोलता रहता है बस, कुछ नहीं खाया इसने, पैसा वेस्ट हो गया सब यार, इतना ज्यादा दे देते हैं मैं खा ही नहीं पाता हूँ, क्या ही बताऊँ। देख लो सच्चाई, देख लो सच्चाई निकल रही है, देख लो सही बात नहीं है भाई, खा नहीं पा रहा था, ठीक है। तो करके चला आया हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं घर, हो रही थी देर और होने के साथ साथ रात भी हो चुकी है भाई, आप लोग देख सकते हो। ये वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा लाइटिंग है, धूप वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ चला गया, ठीक है। और बाइक चला रहा है मेरा दोस्त अंकित भाटिया। अंकित भाटिया भाई बाइक चला रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से चलते हैं और घर पे ही इस ब्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है। तो चलो Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's. अभी वहाँ से देखो ये मार्केट है, अभी ये मार्केट देख लो, यहाँ पे इतना नॉइज है, और वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे परफेक्ट है और लोकेशन भी बहुत अच्छा है। तो ये भी ये मार्केट है, मार्केट में भाई यहाँ से बहुत बढ़िया जगह है, वो सुकून वाली जगह है, आराम से जाओ बैठ कर खाओ दबा के, उसके बाद चले जाओ राजा की तरह। मुझे नहीं मतलब अंकित लेना था पेस्ट्री, ठीक है, तो हम लोग आए थे पेस्ट्री लेने के लिए। और ये है इनके यहाँ पे जो हम लोगों ने कल ब्लॉग बनाया था, ठीक है, वही है। तो इनके यहाँ भी आप पिज्ज़ा वगैरह आके खा के चेक कर सकते हो, बढ़िया पिज़्ज़ा, ठीक है। तभी इसके लिए ये अपनी बहन के लिए ले रहा था पेस्ट्री, ठीक है। तो चलो फिर जल्दी से ले ले, बिना से चलते हैं, ठीक है। तो भाई मैं आ चुका हूँ घर और अभी मैं हूँ अपने रूम में, ठीक है। तो भाई ये देखो हम लोग जो है खाने खा पी के उसके बाद अपने दोस्त के लिए जो पेटिस थी वो लेने गए थे, उसके बाद वहाँ से फिर चले आए सीधा घर। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोगों में से जो लोग भी वहाँ पर जाना चाहते हो तो अपने चौराहे से धनपरगन रोड पे चौराहे से लेके उस जगह रेलवे फाटक तक 1 किलोमीटर है, ठीक है। 1 किलोमीटर से कम होगा या ज़्यादा होगा मैंने कभी नापा नहीं है, लेकिन 1 किलोमीटर मैं उसे बता रहा हूँ। तो अगर तुम लोग में से कोई लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बढ़िया है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोग जा सकते हो, क्योंकि भाई देखो प्राइस भी बढ़िया है और टेस्ट भी एक नंबर का है, तो खाओ मस्त मौज काटो, ठीक है। और देखो बढ़िया है तभी मैं उतनी दूर जा रहा हूँ, मैं वरना मैं जाता नहीं हूँ, ठीक है। तो बढ़िया है, टेस्ट है, इसलिए मैं गया था। मैं आप लोग को खिला तो सकता नहीं हूँ, बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ तुम लोग के साथ। तो भाई बस वही बात है, अगर खिला सकते ना तो तुम लोग कैसे खिला देता ऐसे लोग, लेकिन क्या करो यार, जाने दो। चलो फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं, ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे, ठीक है। आई होप कि तुम लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।